लिली ने अभी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है और उसे ट्रेनिंग के लिए लंदन की एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल से बुलावा आया है। वो घर से जल्दी निकलती है और समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ट्रेनिंग के पहले वो वहां बहुत सारी पुराने दोस्तों से मिलती है। वो सब मिलकर फोटो भी लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद लिली स्टोर रूम में मृत पाई जाती है, किसी ने उसकी हत्या कर दिया था। उस मामले की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है और सभी से पूछताछ करता है। सभी लोग कहते हैं कि वो सब लोग ट्रेनिंग में व्यस्त थे, उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। वो सभी मेहुल को फोटोग्राफ दिखाता है जो उन्होंने ट्रेनिंग के पहले लिया था। ट्रेनिंग के पहले और बाद में ली गई तस्वीर को देखकर क्या आप बता सकते हैं हत्या किसने की है? ए बी सी डी या ई, जरा सोच कर बताए। देखिए, ट्रेनिंग के पहले की फोटो में डॉक्टर ने अपना आई कार्ड गले में लटकाया हुआ था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद की फोटो में आई कार्ड उसके जेब में था और उसकी लेस भी घटनास्थल पर मिली थी, मतलब हत्या डॉक्टर ही ने की है। शहर में बच्चे चॉकलेट खाकर रैपर इधर उधर फेंक देते हैं। एक दुकानदार शहर में एक योजना लेकर आता है, अगर आप चॉकलेट के 3 रैपर वापस करेंगे तो आपको एक चॉकलेट मुफ्त दी जाएगी। बच्चे अब चॉकलेट रैपर इधर उधर फेंक देना बंद कर देते हैं और रैपर को दुकानदार को वापस देना शुरू कर देते हैं। पीटर के पास 15 रुपए है, एक चॉकलेट 3 रुपए का है, तो पीटर उन 15 रुपए से कितनी चॉकलेट ले सकता है? 5, 6, 7 या 8, जरा ध्यान से सोच कर बताए दोस्तों। क्या आप पता लगा पाए? चलिए देखते हैं। 15 रुपए में पीटर को 5 चॉकलेट मिलेंगे, 3 रैपर वापस करने पर पीटर को एक और चॉकलेट मिलेगा, फिर वो 3 चॉकलेट के रैपर को वापस करके एक और चॉकलेट मिलेगा, इसीलिए 5 और 1, 6 और 1 कुल मिलाकर पीटर को 7 चॉकलेट मिलेगा। जैन बहुत सुंदर और मेहनती महिला थी। वो अपना काम खत्म करने के लिए देर रात तक ऑफिस में काम करती थी। एक दिन वो घर वापस नहीं आती है। कुछ देर राह देखने के बाद उसका पति तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल को उसका मृत शरीर पास के पार्क में मिलता है और उसका मौत का अनुमानित समय रात 10 बजे लगता है। मेहुल जैन के ऑफिस पूछताछ करने जाता है और वहां मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है और वो तीनों से पूछताछ करता है कि कल वो रात 10 बजे कहां थे और क्या कर रहे थे। केबिन, मैं कल रात 8 बजे ऑफिस से सीधा पार्टी में चला गया था और मैं पार्टी में देर रात तक था, अब चाहे तो मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं। जोरा, सर कल मेरी पत्नी बीमार थी इसीलिए मैं ऑफिस से जल्दी चला गया था, मैं रात 10 बजे घर पहुंचा था। रिचर्ड, सर मैं ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था, सर मैंने 10 बजे फोटो भी खींची थी, ये देखिए फोटो। तो जासूस आर्मी, क्या आप बता सकते हैं हत्या किसने की है? केबिन, जोरा या रिचर्ड ने, सोच कर बताए। रिचर्ड के फोटो में 10 बजे का समय दिख रहा है, लेकिन उस समय बाहर उजाला दिख रहा है, मतलब रिचर्ड ने फोटो सुबह 10 बजे ली थी। इसका मतलब खून रिचर्ड ने ही की है। एमिली भारत में यात्रा के लिए आई थी। घूमते समय उसने शहर में एक स्थान पर 3 औरतों को कपड़े धोते और उन्हें धूप में सुखाते हुए देखा। कुछ देर बाद उसे ध्यान आता है कि उसका पर्स उसके पास नहीं है। उसे लगता है कि शायद उसका पर्स वहीं पर गिरा होगा जहां उसने 3 औरतों को देखा था। वो वहां वापस जाती है पर उसे वहां उसका पर्स नहीं मिलता। क्या आप बता सकते हैं कि इन 3 औरतों में से किस औरत ने एमिली का पर्स चुराया है? 1, 2 या 3, ध्यान से देखकर और सोचकर बताए दोस्तों। चलिए देखते हैं। अगर आप बाहर रखी 3 बाल्टियों का पानी देखेंगे तो आपको समझ आएगा पहली औरत के पास रखी बाल्टी में पानी का स्तर बढ़ गया है, मतलब उसने एमिली का पर्स उठाकर बाल्टी में छुपाया था, इसीलिए बाल्टी का पानी पूरा ऊपर तक भर गया है, यानी इसने ही एमिली का पर्स चुराया है। एक सीरियल किलर पेरिस की सड़कों पर घूमते हुए महिलाओं को अपना निशाना बना रहा था। पहले दिन वो जेस की हत्या करता है, दूसरे दिन वो रोजी की हत्या करता है, तीसरे दिन वो लिली को मारता है। पुलिस किसी तरह उसकी छुपने की जगह का पता लगा लेता है पर वो उसे पकड़ने में नाकाम रहते हैं। पुलिस मेहुल को मदद के लिए बुलाते हैं। मेहुल हत्यारा का छुपने की जगह की जांच करता है, वहां उसे और 3 लड़कियों की फोटो नजर आता है। तीनों लड़कियों का नाम है मारिया, मेरी और कियारा। क्या आप इन सभी तस्वीरों को देखकर बता सकते हैं कि सीरियल किलर का अगला शिकार कौन होगा? तो मेरे जासूस दोस्तों, ध्यान से देखकर और सोचकर बताएं। अगला शिकार कौन होगा, मारिया, मेरी या कियारा? ध्यान से देखिए, हत्यारा केवल उन्हीं महिलाओं का हत्या कर रहा है जिनके बाल ब्राउन है। जेस, रोजी और लिली, इनके बाल ब्राउन थे क्योंकि मेरी के बाल भी ब्राउन है, इसीलिए सीरियल किलर का अगला शिकार मेरी होगी। पुलिस मेरी को बचा लेती है और किलर को पकड़ लेता है। डिपार्टमेंटल स्टोर शहर का सबसे बड़ा खेलकूद के सामान का स्टोर है।
मगर उसका मालिक स्टोर में लगातार हो रही चोरी से परेशान रहता है। स्टोर में हमेशा बहुत भीड़ रहती थी, इसीलिए चोर को पकड़ना मुश्किल हो रहा था। एक दिन स्टोर का मालिक स्टोर में लगे सभी सीसीटीवी की फुटेज जांच करने का तय करता है। इन तस्वीरों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन है? 1, 2, 3 या 4, जरा सोच कर बताइए दोस्तों। जवाब है 4, क्योंकि पहली तस्वीर में वो पतला दिख रहा था, लेकिन दूसरी तस्वीर में वो अचानक उसका टी शर्ट फूला हुआ दिख रहा है, मतलब उसने सामान चुरा कर टी शर्ट के अंदर छुपाया है। मतलब चोरी इसी ने की है। नटाली को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो खाने के लिए ब्रेक लेती है। वो अपने खाना लेने के लिए रेफ्रिजरेटर के पास जाती है। जब वो फूड रेफ्रिजरेटर को देखती है तो चौंक जाती है, उसके किसी कोलिग ने खाना चुरा लिया था। वो ऑफिस वापस जाती है ये देखने के लिए कि यह किसने किया है। क्या आप उसके कोलिग्स को देखकर बता सकते हैं कि नताली का खाना किसने चुराया है? A, B, C या D? थोड़ा सोच कर बताइए दोस्तों। देखिए, ए अभी खाना खा रहा है, बी कॉल में बिजी है, सी ने खाना बाहर से मंगाया है, सिर्फ डी ही बची है जो अपना खाना खत्म कर चुकी है। मतलब डी ने ही नताली का खाना चुराया है। जासूस मेहुल को एक फोन आता है कि किसी ने ज्वेलरी शॉप से 10 लाख रुपए के गहने खरीदे हैं। उसने बदले में नकली नोट दिए और वहां से चली गई। मेहुल तुरंत ज्वेलरी शॉप में पहुंचता है। मेहुल अंदर और बाहर के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। फुटेज 1, लड़की ज्वेलरी खरीदती है। फुटेज 2, वो पैसे देती है। फुटेज 3, वो कार में बैठकर चली जाती है। मेहुल को समझ आ जाता है कि वो कार किराए से ली गई है। मेहुल तुरंत कार की कंपनी में फोन करता है। वो उनसे कहता है कि उस कार की लोकेशन ट्रेस करके उसे भेजे। वो लोग मेहुल को कार की सही लोकेशन भेजते हैं और मेहुल उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। उसे वो कार मिल जाती है, परंतु उसे 3 घर नजर आते हैं। क्या आप इन 3 घरों को देखकर बता सकते हैं लड़की किस घर में गई होगी? A, B या C? जरा सोच कर बताइए दोस्तों। देखिए, लड़की घर ए में गई है। अगर आप ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लड़की ने हाई हील की सैंडल पहने हैं और वो सैंडल घर ए के सामने रखे हैं। मतलब घर ए ही सही जवाब है। लंदन के म्यूजियम में हीरो की जरे जूते प्रदर्शन के लिए रखे थे। उसके अगले दिन जूते चोरी हो जाते हैं। केस को हल करने के लिए जासूस मेहुल का दोस्त ऑफिसर जेम्स को बुलाया जाता है। जेम्स म्यूजियम के अंदर आने वाले और जाने वाले रास्ते में लगी सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और चोर का पता लगा लेता है। तो दोस्तों, क्या आप इन फुटेज को देखकर बता सकते हैं चोर कौन है? 1, 2 या 3? ध्यान से सोचकर बताइए। देखिए, बीच वाली लड़की चोर है। अगर आप आने वाले और जाने वाले फुटेज देखेंगे तो आप पाएंगे कि बीच वाली लड़की का कद जाते समय बढ़ा हुआ है। इसका मतलब उसने चोरी किया हुआ जूता पहने हुए है।